हेलो एवरीवन, मेरा नाम नदीम अहमद है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। आज हम फिर आए मुंबई और आज हम कुछ चार जगह कवर करने वाले हैं। अभी मैं सीएसटी स्टेशन पे हूँ। सुबह का 9:12 हो रहा है और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीएसटी से। तो चलिए देखते हैं आज हम मुंबई में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे आने वाली है लोकल की सवारी, सीएसटी का अमेजिंग आर्किटेक्चर। और कुछ ऐसा जिसको आप देखते ही रह जाएंगे। आज हम जाएंगे सीएसटी से गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद हम बोट राइड लेंगे एलिफेंटा केव्स तक और कुछ ऐसे नजारे देखेंगे जिससे आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में हैं। हम बैठेंगे एलिफेंटा के टॉय ट्रेन में और एक्सप्लोर करेंगे एलिफेंटा केव्स को, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोकल मुंबई की लाइफलाइन है, बट रश आवर्स में उसको कैसे बोर्ड करना है मैं आपको आज दिखाता हूँ। जनरली इस टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है, तो आप जस्ट दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाइए, उसके बाद सारा काम भीड़ खुद ही कर लेती है। एक बार आप ट्रेन पे चढ़ गए उसके बाद ये नज़ारा होता है। सीएसटी रूट पे अच्छी बात यह है कि दादर आने के बाद ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाती है, उसके बाद आप मजे ले सकते हैं। लोकल के गेट पे खड़े होकर ट्रैवल करने में जितना मजा है उतना रिस्क भी है। अभी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पे बहुत ही अच्छी पाव भाजी मिलती है और मैं वहाँ पे पाव भाजी और चाय और ऑफ कोर्स वड़ा पाव खाना चाहता हूँ। उसके बाद देखते हैं हम आगे गेटवे के लिए निकलेंगे। चलिए मेरे साथ। सबवे तो शॉपिंग मॉल ज़्यादा लगता है, इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। उसका टेस्ट अच्छा था, क्योंकि हमें बोट पे ट्रैवल करना था इसलिए हमने सिर्फ पाव भाजी ही खाई और ज्यादा कुछ नहीं खाया। पाव भाजी खाने के बाद हम वॉक पर निकल गए। सीएसटी के आसपास आपको ऐसी काफी सारी बिल्डिंग्स मिलेगी जो बहुत ही पुरानी है। सीएसटी से हमने शेयरिंग कैब ली जो पर पर्सन 20 रुपीज चार्ज करती है और वो आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे ड्रॉप कर देगी। गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट बाहर में ये होटल है जहाँ पे आप कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से आप होटल ताज को देख सकते हैं और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है इसे ताजमहल टावर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया था किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। एलिफेंटा केव्स जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से बोट लेनी पड़ती है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बड़ी बोट पे बैठें, क्योंकि वो थोड़ा कम टम्बलिंग करती है। अगर आप छोटी बोट पे बैठेंगे तो आपको वॉमिट जैसी फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि संडे का दिन था इसलिए कुछ ज्यादा ही बोट्स थी यहाँ पर। बोट पे बैठने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ से पूरा मुंबई पीछे छूटते जाता है और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको सिर्फ समंदर ही नजर आएगा। इसे मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी कहा जाता है और ये एक समय पर पायरेट्स को दूर भगाने के लिए एज अ बेस यूज किया जाता था। ये छोटी बोट एलिफेंटा से रिटर्न आ रही है, देखिए। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जाने में अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लगता है,
और उसके लिए आप ये बोट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बोट भी रहती है अवेलेबल, आई डोंट नो उसका चार्ज कितना है, बट स्पीड बोट भी अवेलेबल रहती है। इस बोट का चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन और ऊपर आने का 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है हम जहाँ पे बैठे हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर ही आओ बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर किस्मत आपके साथ है तो आप पूरी जर्नी में ह्यूज शिप्स को देख सकते हैं। पूरे 45 मिनट्स के बाद फाइनली हम पहुंच गए एलिफेंटा केव्स पे। आपको ये काफी सारी चटपटी चीजें मिलेंगी एंट्रेंस पे ही। काफी सारी चीजें तो आपने देखी ही होंगी, बट ये जो स्टार फ्रूट है इसको आप जरूर ट्राई करें। ये काफी खट्टा होता है और जूस से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ विटामिन सी। गाइज आई थिंक वी शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। देखो कितना प्लास्टिक है यहाँ पे, आई थिंक वी शुड रिड्यूस इट। एटलीस्ट हम अगर प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे हो तो उसको डस्टबिन में ही डालो, क्या मतलब इतना कचरा फैला के। जो एलिफेंटा के गेटवे से वहाँ तक इसके एंट्रेंस तक ट्रेन चलती है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप पैदल भी जा सकते हो, बट क्योंकि इतनी धूप है तो इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया, बहुत सस्ता है, 10 रुपये में आना जाना। इस टॉय ट्रेन में बैठने का अलग ही मजा है क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है। लो टाइड होने की वजह से पूरा पानी पीछे चले गया था। और ये जो जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी मछलियां आपको चलती दिखेंगी। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के साथ आपको टोपी और ऐसे पर्स के जैसे फैंसी चीज़ों के भी स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 बार फीस देना पड़ता है, सबसे पहले एंट्री पे और एक बार एलिफेंटा केव्स के गेट पे, क्योंकि पाव भाजी अब डाइजेस्ट हो गई थी इसलिए फिर से भूख लग गई, तो हम वहाँ पे एक होटल पे ब्रेक ले लिए। जो ऐसे होटल्स होते हैं ना, जो ऐसी जगह पे एलिफेंटा जैसी जगह पे रहते हैं जंगली होटल होते हैं, यहाँ पे आप यकीन मानेंगे 150 रुपीज़ में फिश फ्राई, जिसमें जस्ट एक पीस है, 2 कॉस्टली है। हमने सिर्फ भेजा का नूडल्स ऑर्डर किया है और ठंडा पानी, वो बहुत है ना। देखो एलिफेंटा केव्स तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से और दिन का टाइम होने की वजह से काफी कंजेशन फील हो रहा था। अभी हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स तक जाने के लिए, आपको ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है और ये काफ़ी टायरिंग चढ़ाई है, इसको आने जाने के बाद तो पूरा थक जाएंगे आप। यहाँ रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल सो मेनी थिंग्स, नेकलेस, मूर्तियाँ, गौतम बुद्ध वगैरह, और स्पेशली दे आर ट्राइंग टू सेल टू फॉरेनर्स। एलिफेंटा तक पहुंचने के बाद आपको यहां पर 40 रुपीज़ एंट्रेंस फी फिर से पे करनी पड़ती है।
अभी हम जा रहे हैं कैनन हिल पे, जो कि एलिफेंटा केव से भी आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। बहुत थकान होती है, देखो कितना सीढ़ियाँ हैं, इतना चढ़ के जाना है और इतना चढ़ के आए हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं कैनन हिल पे, जस्ट आपके पीछे है, और ये जो जगह है हम यहाँ से आए थे। देखिए ये जो दूर में हमको नजर आ रहा है ना, वहां पे सारी बोट्स आके रुकती है, वहां से फिर वो लोकल ट्रेन चलती है यहाँ तक आती है आगे तक। ये है कैनन पॉइंट, इसको बेसिकली ये मिलिट्री बेस था पायरेट से बचाने के लिए, डॉक्स को और शिपयार्ड को इस कैनन का यूज किया जाता था। बहुत ह्यूज कैनन है, वंडर कि इसका रेंज कितना रहता होगा और कितना डैमेज करता होगा। ये बंदर काफी खाली बॉटलों से खेल रहे थे तो मुझे लगा प्यास लगी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा इनको पानी दे दिया। गिरेगा, इसीलिए ये बंदर ही रह गए और हम इंसान बन गए। 3 घंटे के बाद हमने वापस जर्नी शुरू करी एलिफेंटा से गेटवे तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।